देव, मुझे तुमसे कुछ कहना है. पता है, लास्ट वीक स्कूल में सोहा का ऐसे राइटिंग कंपटीशन था और उसमें उसे लिखना था कि उसके पेरेंट्स में क्या अच्छाई है और क्या बुराई. सोहा ने सब कुछ लिखा लेकिन फिर भी उसे बहुत कम मार्क्स मिले. पता है क्यों? क्योंकि सोहा ने सब कुछ अच्छा ही लिखा हमारे बारे में. उसे हमारे बारे में सब कुछ अच्छा लगता है. उसे लगता है कि हम परफेक्ट हैं. देव, हम लड़ते हैं, एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं. ऐसी कुछ चीजें हैं जो मुझे तुम्हारे बारे में पसंद नहीं है. कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे गुस्सा दिला देती है. जैसे कि जब तुम मुझ पर नजर रखते हो तब मुझे लगता है कि मैं तुम्हें इस कमरे में बंद करके रख दूं. लेकिन ऐसा भी वक्त आता है जब मैं घर पे आती हूँ और जब तुम घर पे नहीं होते हो तब मुझे लगता है कि घर खाली खाली सा है. तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आई नो, मैं दोनों चीजें फील करती हूँ. बहुत कंफ्यूजिंग है मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी. लेकिन यही तो प्यार होता है ना देव. It's just a beautiful mess. लेकिन देव, एक रिलेशनशिप तभी होता है ना जब हम एक दूसरे का साथ दें और साथ में चीजों को परफेक्ट बनाए. और ये हमसे ज्यादा और कौन समझ सकता है? मुझे पता है कि तुम अभी भी मुंह फुलाकर अंदर खड़े हो. देव, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करने में पीछे हूं. मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ देव. कुछ तो बोलो देव. देव, देव. मैडम जी, सर जी की टाई लेनी थी. सर का? सर जी नीचे ऑफिस के लिए निकल रहे हैं. सारे पैसे कल मिल जाएंगे. कल? चेक तो करना पड़ेगा ना कि माल असली है या नहीं. क्या बकवास कर रहे हो? अगर भरोसा नहीं है तो किसी और के पास चले जाऊंगा मैं. अरे तुम तो बात बात पर गर्म हो जाते हो. अपना फोन चेक करो. तुम्हारे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ चुके हैं और बाकी का अमाउंट चेक करने के बाद. मैं परेशान नहीं हूँ, सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल है. अब तू कह रहा है तो सच ही कह रहा होगा. मैंने तुम्हें फोन नहीं किया सोनाक्षी. किसी गलत फहमी में मत रहना, मैं भी नहीं हूं. मुझे पता है अगर माँ ने तुम्हें मेरे फोन से कॉल नहीं किया होता तो तुम कॉल बैक नहीं करती. तुम मुझसे प्यार करती हो तो आके प्रूफ करो. मैंने फोन ऑफ कर दिया है, अब मैं देखता हूँ कि तुम क्या करती हो. मेरे एक कॉल पर सब कुछ छोड़कर आती हो या नहीं. कम ऑन मिस बोस, आई एम वेटिंग. सोना दी, क्या हुआ है? कोई प्रॉब्लम है क्या? आज मैं गलत प्रूफ होने के लिए यहां बैठा हूं सोनाक्षी.
तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम यहाँ जरूर आओ। अब आपको हमारे साथ खेलना पड़ेगा। हम बाहर नहीं जाएंगे तो घर में ही तो मस्ती करेंगे। क्या चल रही है? हर 10 मिनट में तुम्हारे खेलने की आवाज सुन रहा हूँ। तुम्हें होमवर्क नहीं करना है। 10 मिनट में आके मैं तुम दोनों का होमवर्क चेक करूंगा। ओके? थैंक यू दी, क्योंकि आप मेरे लिए स्पेशली इतना सारा टाइम निकाल कर आए, इसलिए थैंक यू दिल से। वैसे आपको कहीं जाना तो नहीं है ना? इस वक्त मुझे तुम्हारे साथ रहना, क्योंकि प्रेगनेंसी एक जर्नी है जिसकी शुरुआत तुमने की है। मुझे याद है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मेरे साथ कोई नहीं था। मैंने प्रॉमिस कि दादा, पापा, माँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच दी। You know what? आप वर्ल्ड की बेस्ट ननद हो। डॉक्टर बोस आइए। चलो आराम से। ओके। आई थिंक जो तूने किया ना बिल्कुल सही किया। देव भाई सुनने के बाद एक बार सोचेंगे। हाँ माँ। मुझे तुझसे बात नहीं करनी। क्या? तो फोन क्यों किया? ये बोलने के लिए कि मुझे तुझसे बात नहीं करनी। माँ क्या कह रहे हो आप? देव के साथ आ नहीं सकती थी तू? देव आया था? हाँ, वो भी सुबह सुबह पूरा गार्डन उठाकर ले आया रोनिता के लिए। इतने सुंदर फूल है कि क्या कहूँ। तुझे देखना चाहिए था, वो रोनिता और सौरभ के लिए कितना खुश है। ऐसे थोड़ा सा नाराज भी था कि उसे ये न्यूज लेट क्यों मिली, वरना रोनिता के अपॉइंटमेंट के लिए वो तेरे साथ आता। कहकर गया है कि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में वो तेरे साथ जरूर जाएगा। मैं तो उसे देखती रह गई शोना, और सोच रही थी कि तेरी प्रेगनेंसी के वक्त अगर वो तेरे साथ होता पता नहीं क्या क्या करता ना। तुम पागल चेले। एकदम पागल। अच्छा चल मैं रखती हूँ, बाय। अच्छा माँ बाय। क्या हुआ माशी ने क्या कहा? देव ना कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब वो घर गया था दादा और रोनिता को विश करने फूलों के साथ। कभी कभार ऐसी चीजें कर जाता है ना जो मुझे बहुत गुस्सा दिला देता, और कुछ ऐसी क्यूट सी चीजें करता जो गुस्सा मिटा देती। मैंने कहा था ना तुझे, देव भाई ऐसे ही एकदम पागल। तू गलत था टक्कर, और गधा भी। देव दीक्षित मुझ पर एक पैसे का भी शक नहीं करता, बल्कि उन्होंने तो मुझे जिम्मेदारी दी है चोर को पकड़ने की। लेकिन बेटा जो तूने किया ना वो कोरियर भिजवा के, तुझे क्या लगा मार्केट में और कोई नहीं है क्या? हां अब तू देख। ओ विक्की तू ठंड रख यार, पर ऐसी बातें मत कर। एक बिजनेस में ऊपर नीचे होता रहता है, अपनी डील अभी भी ऑन है। हाँ तो अब तेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा। तुझे क्या लगा विक्की ने कच्ची गोलियां खेली है? देव दीक्षित बिजनेस का बादशाह होगा, लेकिन उस बंदे को सिर्फ एक ही बंदा मैनिपुलेट कर सकता है, और वो हूँ मैं, विक्की। समझा? 7 साल पहले की खबरें याद है तुझे? हाँ वही। देव दीक्षित अपनी बीवी से हुए अलग, घर पे पड़ी दरार। कौन था उसका करता धरता? कौन था? मैं, विक्की। पहले उन दोनों के बीच में मैंने सारी गलत फहमियां पैदा करी, फिर जब झगड़े हुए तो और फायदा उठाया। उसकी बीवी को भी मैंने बिलीव कराया था कि उसकी फैमिली का घर किसी और ने नहीं बल्कि देव दीक्षित ने छीना है, जबकि वो बेचारा तो नशे में दूध फार्म हाउस में रो रहा था। हाँ लेकिन उसकी बीवी शायद मान जाती पहले, लेकिन जहां उसने अपनी फैमिली को टूटते हुए देखा उसने अपनी शादी तोड़ दी। इन पेपर्स पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लोन आप लोगों ने लिया था वो ईश्वरी इंटरप्राइजेस ने खरीद लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये घर अब हमारा हो गया। तो अब देव भाई तुम लोगों को इस घर से धक्का दे रहे। भाभी प्लीज प्लीज।
सोना 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 क्या कर रही है तू? तुझे देव भाई को सच बताना पड़ेगा, तो चल मेरे साथ। क्या बताना है लीना? विक्की ने कुछ किया क्या? हाँ, विक्की ने मेरा मजाक उड़ाया। दे मजाक उड़ाया? विक्की ने मेरा मजाक उड़ाया देव। उसने कहा कि अगर मैं कॉफी में ऐसे ही शक्कर मिलाती रहूंगी ना, तो मेरा न्यूट्रिशनिस्ट का करियर ही खत्म हो जाएगा। ये बात थी? हाँ, और क्या बात होगी। अच्छा, तुम कॉफी पियोगे? मैं बनाऊंगी, बट विद लेस शुगर। ठीक है। देव भाई को तूने सच क्यों नहीं बताया? किसको बचाना चाह रही है तू? एनीना मैम, सोना, मुझे पता है तेरे पास कोई ना कोई तो रीजन होगा ही। विक्की ने तुमसे तुम्हारे 7 साल छीने हैं, देव भाई से उनकी छोटी बेटी छीनी है। मैं इस झूठ का साथ नहीं दूंगी, मैं अभी जा रही हूँ। एनीना, 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 मैं फिर से इस फैमिली को टूटते हुए नहीं देख सकती। 7 साल लगे इस फैमिली को फिर से एक साथ लाने के लिए। सोना, और इसकी वजह कौन था? विक्की ना, तो फिर भी इसे बचा रही है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एलिना। थैंक यू भाभी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं कभी भी हमारी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाया, हमेशा अपने बारे में ही सोचता था। लेकिन आज आज हमारी फैमिली के लिए प्लीज मुझे एक और चांस दे दीजिए। बस ये मत सोचना कि हम दोनों तुम्हारी वजह से कुछ कर रहे हैं। हम ये सिर्फ अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इस फैमिली को और देव को कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अगर तुमने ऐसा कुछ किया, देव तो तुम्हें सबक सिखाएगा ही, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं आपसे वादा करता हूं भाभी कि आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा और देव भाई का सच्चा भाई बन के दिखाऊंगा। और जब तक मैं ये प्रूफ नहीं कर देता ना, आप मुझ पर भरोसा मत करना। थैंक यू। सोना तो ठीक नहीं कर रही। अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं मिला तो जो करोड़ों आया है उनका हिसाब देते देते पूरी जिंदगी बीत जाएगी मेरी। कम ऑन, मिल जा। शिट शिट शिट, कम ऑन। आप सब हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ईश्वरी इंडस्ट्रीज के ओनर मिस्टर देव दीक्षित मोबाइल इंडस्ट्री के टॉप टैकून आज एक अनाउंसमेंट करने वाले, जो आप सबके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। सो स्टे ट्यून्ड। नहीं नहीं नहीं, क्या हो रहा है? भैंस की आंख, ऐसा नहीं हो सकता। अरे कुछ तो बोल। चलो दादी, उल्टा तो जल्दी चलो। लेकिन मेरी प्यारी गुड़िया कहाँ ले जाएगी? बस आप जल्दी चलो। ओहो, चलो भाई। अरे बोल तो सही, क्या है? यहाँ क्यों लेके आए हैं? देखो बिक्या टीवी पे आ रहे हैं। उल्टा तो जल्दी चलो ना। अरे चल रहा हूँ, कहाँ ले जा रही है मेरी गुड़िया? क्या हुआ भाई? उल्टा तो देखो, पापा टीवी पे आ रहे हैं। अरे वाह, देव टीवी पे? बताया भी नहीं देव ने। माँ देखो ना, कितने हैंडसम लग रहे जीजू। आखिर दामाद किसका है? दी बिजॉय बोस का दामाद जो है। लो लो, चिप्स खाओ। दी फोन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, आज तक का सबसे कम स्पेस लेने वाला सॉफ्टवेयर। बट दैट्स नॉट द बेस्ट पार्ट। द बेस्ट पार्ट इज इट्स 50 टाइम्स फास्टर देन एनी अदर सॉफ्टवेयर। किसी भी और सॉफ्टवेयर से 50 टाइम्स ज्यादा फास्टर। जहां आज कंपनीज बड़ी बैटरीज बना के बैटरी लाइफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां हमारा सॉफ्टवेयर इतना स्विफ्ट है कि वो बैटरी कंज्यूम ही नहीं करेगा। दैट मींस द बैटरी विल लास्ट लॉन्गर।
ये मार्केट में एक गेम चेंजर है. इट'ल चेंज एवरीथिंग. भाई भाई मुझे माफ कर दो भाई. भाई प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूं भाई. देव ये क्या कर रहा है तू? भाई प्लीज. भाई बोल मत मुझे. देव कैसी बातें कर रहा है अपने भाई से? बेटा छोटे भाई से कोई ऐसी बात करता है क्या? कैसा छोटा भाई? छोटा भाई होने का कोई फर्ज निभाया उसने? छोटा भाई होने का एक भी फर्ज निभाता ना तो मैं जिंदगी भर बड़ा भाई होने का फर्ज निभाता. छोटा भाई नहीं बन पाया वो, पर कम से कम तू तो बड़े भाई का फर्ज निभा देव. माँ मुझे ज्यादा समझ नहीं है लेकिन इतना पता है कि छोटा भाई पहला राजदार, पहला दोस्त, पहला साथी होता है. लेकिन इससे पूछ तू, इसने छोटा भाई होने का कौन सा फर्ज निभाया? देव साफ साफ बता इसने किया क्या है. क्या बताऊं मामा जी, मैंने इसे अपने राज बताए और इसने वही राज मेरे दुश्मनों को बेचने की कोशिश की. और इसका सबसे बड़ा पाप यह है कि इसे मेरा साथी होना चाहिए था लेकिन इसने मुझे मेरे ही जीवन साथी से दूर करने की कोशिश की. क्या कह रहे थे? माँ इसने सिर्फ मेरा विश्वास नहीं तोड़ा है, हमारा घर तोड़ा है. हमारा परिवार तोड़ने वाला पापी ये है. तेरे कहने का मतलब? 7 साल पहले सोनाक्षी और मेरे बीच में गलत फहमियां हुई थी, वो गलत फहमियां पैदा करने वाला यही था. हमारे बीच में प्रॉब्लम्स थी लेकिन सोनाक्षी और मैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते. अगर ये नहीं होता ना तो मेरी सुहाना की डिलीवरी के टाइम मैं वहीं होता. जब सुहाना छोटी थी तो मैं उसे गोद में खिला पाता, उसके साथ रह पाता. यकीन है सोनाक्षी और उसके घर वालों को उनके घर से निकाला और उन्हें ये यकीन दिलाया कि ये काम मैंने किया है. वो आदमी मेरे घर से बाहर निकला या नहीं, या मैं खुद आके? देव, देव एक बार मेरी बात तो सुनो. नहीं सोनाक्षी, इतनी बड़ी बात हो गई, उसने तुम्हारे माँ बाबा के साथ तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई. देव मैं क्या? सोनाक्षी तुम इतनी बड़ी बात को बर्दाश्त कर सकती हो, उसे माफ कर सकती हो लेकिन मैं नहीं. इस मौके का उसने क्या किया? फिर से मुझे बर्बाद करने की कोशिश की. अगर मैंने सही वक्त पे वो ऐप लॉन्च करने का डिसीजन नहीं लिया होता तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाती, पानी में डूब जाती. तुमने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया सोनाक्षी? देव अगर मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताती तो हमारा परिवार टूट जाता. किस परिवार की बात कर रही हो सोनाक्षी तुम? किस परिवार की बात कर रही हो? ये परिवार है जो हम दोनों को अलग करना चाहता है? नहीं सोनाक्षी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता. मैंने तुमसे पहले भी कहा है हमारे बीच में आने की जो भी कोशिश करेगा ना मैं उसे नहीं छोड़ूंगा. बर्बाद करके रख दूंगा मैं उसके इरादों को भी और उस इंसान को भी. आज के बाद हमारे बीच में कोई नहीं आएगा. बहुत मुश्किल से मिले हम सोनाक्षी, एक बार अलग होके फिर से मिले. अब मैं हमारे बीच में किसी को नहीं आने दे सकता. मैं किसी को हम पर बुरी नजर नहीं डालने दे सकता, चाहे वो कोई भी हो. विक्की प्लीज मेरे प्यार पर डाउट मत करना. आई रियली लव यू. लेकिन जो तुमने किया वो गलत था. आई जस्ट होप कि तुम अपनी गलतियां पीछे छोड़कर एक बेटर इंसान बनो. बोलो मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, शायद देव भाई को भी सिर्फ यही चाहिए. विकी
रुक जा विकी, विकी रुक जा, विकी मेरी बात सुन। क्यों, क्या सुनना बाकी अभी पापा? हाँ, या फिर अब यहाँ पर आया मुझे अपने हाथों से धक्के मार के निकालने के लिए? कैसी बात कर रहा है तू? मुझे पता है पापा आप क्या बोलने वाले आज। अब यही बोलने वाले हो ना कि तूने कभी कोई अच्छा काम नहीं करा, तेरी वजह से तेरे बाप का सर हमेशा झुका रहा। तो एक फेलियर है, किसी का अपना नहीं हो सका, ना एक अच्छा बाप बन सका, ना अच्छा बेटा बन सका। ऐसी बात नहीं है बेटा। ऐसी बात है पापा, सोचते ही नहीं हो आप तो मेरे बारे में, आप मेरे बारे में कुछ सोचते नहीं हो। आपको लगता है कि काश काश मैं आपका बेटा होता ही नहीं, काश देव भाई आपके बेटे होते। ये तो क्या कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहा हूँ पापा, पैदा होने से पहले से ही अगर आपने कोई रिश्ता निभाया तो वो सिर्फ देव भाई के मामा होने का रिश्ता निभाया, मेरे बाप होने का कभी नहीं निभाया आपने। आपकी नजरों में तो मैं हमेशा से नलायक बिगड़ा हुआ लड़का था, मेरे होने या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह अपने आप को मत कोस, जो इंसान अपने नसीब को कोसता है तो उसके नसीब भी उसको कोसते हैं। तू जिंदगी भर देव दीक्षित बनने की कोशिश करता रहा, खुद को विक्रम त्रिपाठी बनने का मौका ही नहीं दिया। गलती मुझसे ही हुई थी, तुझे मेरे प्यार में शक है ना, तो इस शक होने की वजह मैं ही हूं। लेकिन बेटा आज भी अगर मुझे जीने का फिर से मौका मिले ना, तो मैं तुझे ही अपने बेटे के रूप में देखना चाहूंगा। तब शायद फिर से तुझे अच्छे से बड़ा करने की कोशिश कर सकूं, मेरी परवरिश में जो चूक रह गई है उसे सुधार सकूं। तुझ में कोई कमी नहीं है विकी, सब तुझे प्यार करते हैं, देव भी तुझे बहुत प्यार करता है, बस इस समय वो सब नाराज है। लेकिन अभी भी मौका है, बस एक बार अगर तू ठान लेना कि तुझे सब कुछ अच्छा करना है, कुछ तुझे खराब नहीं करना, कुछ बुरा नहीं करना है, सही रास्ते पे चलना है, तो कोई तुझे नहीं रोक सकता। और मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूं। क्या हुआ? सुहा, I'm sorry कि मामा आपके पास नहीं थी। इट्स ओके मामा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विक्की चाचुआ सबसे पहले आ गए और वही मुझे डॉक्टर के पास ले गए और उन्होंने डॉक्टर को डांटा भी। I'm glad कि तुम ठीक हो। दर्द हो रहा ना हमको, अब आपको रेस्ट करना चाहिए, ओके? मामा तुम्हारे पास ही। मायरेट ने गलती की है, सबका दिल बहुत हर्ट हुआ है, पर वो दिल का बिल्कुल बुरा नहीं है। उसे एक एक चांस मिलेगा ना तो जरूर सुधर जाएगा। देव का फैसला बदलना बहुत मुश्किल होता है। देव जो कुछ भी करता है सोच समझ कर करता है, और विकी ने भी उसे इतनी बड़ी वजह दे दी। जी जी, मेरा विकी कभी कभी इस घर में वापस नहीं आएगा। ये बड़ी होकर शी लुक्स अप टू मी, इसमें क्या गलत है? माक्षी तुम समझ क्यों नहीं रही हो, मेरी माँ की सिचुएशन और तुम्हारी सिचुएशन बहुत अलग है, हमारे पास सब कुछ है। एग्जैक्टली, तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन मैं वहां तक नहीं पहुंच पाई हूँ। जो मेरा है वो तुम्हारा नहीं है क्या? और जो मेरा होगा वो तुम्हारा नहीं होगा। देव, मैं चाहती हूँ जब सुहा बड़ी हो तो उसके लिए सिर्फ उसके पापा उसकी रोल मॉडल ना बने, उसकी मम्मा की भी एक अलग जगह होनी चाहिए, जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ है। देव, मैं वो अचीव करना चाहती हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ सुहा के वजह से, सुहा से मुझे इंस्पिरेशन मिली, मैं अपने लिए एक पहचान बना पाई हूँ। देव, अगर कल को सुहा मुझसे कुछ पूछेगी तो मैं क्या कहूँ कि मैंने सब कुछ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारे पापा के पास सब कुछ? ये कैसा एग्जांपल हुआ? मैं अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोना चाहती। सुहा के लिए जो तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटीज हैं उनका क्या, वो इम्पोर्टेंट नहीं है? ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, सुहा मेरी रिस्पांसिबिलिटी, मैं उसका ख्याल रखूंगी जैसे रखती आई हूँ। लेकिन देव, क्या सुहा सिर्फ मेरी रिस्पांसिबिलिटी है? देव, वो हमारी बेटी है।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.